हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो ये नवरात्रि के एक दिन पहले का ब्लॉग है। शाम का टाइम है, यहां पे मैं किचन की क्लीनिंग में लगी हुई हूं, क्योंकि 9 दिन हमारे घर में माता रानी का आगमन होता है। वैसे तो पूरे साल माता रानी की पूजा होती है, लेकिन 9 दिन बहुत खास होते हैं, तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता। तो मैं थोड़ी सी सफाई में लगी हुई हूँ, और कल नेहा का भी व्रत रहेगा, मेरा भी व्रत रहेगा, हस्बैंड जी का भी व्रत रहेगा, तो सबका व्रत ही रहना है कल के दिन। पहले तो मैं 9 दिन रखा करती थी, लेकिन अभी बस स्थापना वाले दिन और अष्टमी वाले दिन 2 ही दिन व्रत रखती हूँ। तो शाम का टाइम है, मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ, और इसके बाद हम लोगों को मार्केट भी जाना है। और जैसा कि आजकल अंधेरा हो जाता है, टाइमली शाम हो जाती है, तो देखते हैं अभी मार्केट जाते जाते हमें अच्छी खासी लेट हो जानी है। तो बस नेहा रेडी हो जाए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ ये काम ख़त्म करके, तो उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं मार्केट। देख सकते हैं अभी समय हो रहा है 6:30 से 7:45 बजे के बीच का टाइम है, लेकिन अंधेरा अच्छा खासा हो गया है। तो सर्दियों में ऐसे ही होता है, और आज मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि पितृपक्ष में पूजा का कोई भी सामान नहीं लिया जाता है, तो इसलिए पितृपक्षों में शॉपिंग नहीं करी जाती। जब पितृ विसर्जन हो जाता है तो नवरात्र के एक दिन पहले शाम को ही शॉपिंग वगैरह की जाती है, पूजा पाठ की। तो अभी हमारे यहाँ वृंदावन गेट के सामने हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे पूजा की सामान लगा करके रखा हुआ है, जहाँ पूजा का, नवरात्रि पूजन का आपको सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाएगा। लेकिन एक ही जगह पर मिल तो जाएगा, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है कि सामान लेना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कुछ पूजा का सामान है, मार्केट एकदम खचाखच भरा हुआ है, शाम का टाइम है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब त्यौहार शुरू हो गए हैं, तो नवरात्रें हो गई, करवा हो गया, इन सब टाइम पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट में रहती है। तो यहाँ पर पूजा का सारा सामान मिल जाएगा, कलावा है, सिंदूर है, और जितनी भी चीज़ें माता रानी को चढ़ती हैं, कमलगट्टा हो गया, चुनरी हो गई, नारियल हो गया, बतासा हो गया, और जो भी भोग में चढ़ता है, आसन है, वस्त्र है, माला है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं अपनी टोकरी, सबने अपनी अपनी एक टोकरी ले रखी है, और उसी में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ओजस और आद्या यहाँ पर किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो ओजस और आद्या डिस्कशन में लगे हुए हैं कि माता रानी की कौन सी तस्वीर लेते हैं, लेना है, लेकिन मुझे माता रानी की कोई भी तस्वीर नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माता रानी की तस्वीर है, तो इसलिए तस्वीर नहीं लेना है। और कैसे तैसे हमने सारा सामान ले ही लिया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और बच्चों को लेकर के हम मार्केट गए थे, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और अक्षत को लेकर के नहीं आए थे। उसके बाद कुछ सामान हमने एक ही जगह पर ले लिया, और कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम दूसरी शॉप पे गए, जहाँ पे चुनरी बहुत सुंदर सुंदर थी। तो यहाँ पे हमने 2-3 चुनरी ली, एक लक्ष्मी मैया की तस्वीर के लिए लिया, और एक माता रानी की तस्वीर के लिए लिया। तो मंदिर में हमारे जितनी भी देवियाँ हैं, तो उनके हिसाब से हमने यहाँ पे तस्वीर वगैरह ले ली हैं। बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो यहाँ पे ओजस और आद्या बैठ करके मोमोज खा रहे हैं, और मैं भी आ गई थी, तो नेहा बोल रही थी दीदी आप भी कुछ खा लीजिए, पर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि नहीं, तुम्हारा खाने पीने का जो मन कर रहा हो वो तुम खा पी लो, लेकिन मुझे नहीं खाना है। तो फिर यहाँ पर इन लोगों ने चाट टिक्की वगैरह बनवाया था, तो वही ये लोग खा रहे हैं। और इसके बाद हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, घर पहुँच गई हूँ और बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हो गए थे, तो इसके कारण कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है, और आज है नवरात्रों का पहला दिन, तो मंदिर की साफ सफाई हो चुकी है, घर की भी साफ सफाई हो चुकी है, नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैंने साड़ी भी पहन ली है, और पूजा पाठ हो रहा है। तो नेहा पूजा कर चुकी है, माता रानी की स्थापना भी हो गई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ कर रही हूँ, और अभी मुझे पाठ भी करना है। तो पहले तो मैं 13 अध्याय एक ही दिन में किया करती थी पूरा, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है,
तो मैं 2-3 अध्याय शुरू के ही अर्गला स्रोत हो गया और देवी कवच हो गया और देवी सहस्त्र नाम हो गया, यही सब पाठ मैं पहले दिन या दूसरे दिन लगातार, मतलब डेली का डेली है मुझे कर लेना है। तो बस पूजा में लगी हुई हूँ। माता रानी को चुनरी, लक्ष्मी मैया को भी मैंने पहना दिया है, तो लक्ष्मी मैया को भी चुनरी पहना देते हैं। रात्रों में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, हमारे घर में आ गया है एक नन्हा मेहमान। तो आप लोगों को बता देते हैं कि ये खुशखबरी क्या है। ये खुशखबरी मेरे ननिहाल से हमें मिली है, तो आप लोग भी इस खुशखबरी को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो जो मेरे दूसरे नंबर वाले मामा हैं, उनकी छोटी बहू को बेटा हुआ है, और पहले उनकी 2 बेटियां थी, उसके बाद उनको बेटा हुआ है। तो जिसके कारण से ना सभी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो प्राची की जो छोटी वाली भाभी है, उसको बेबी बेटा हुआ है, तो हम सब फिर से एक बार सभी बहनें बुआ बन गए हैं, और सभी बहनों को उतनी ही खुशी है। क्योंकि क्या हो गया आद्या, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और बच्चे सब पीछे बैठे हुए हैं, और इन लोगों का ना मस्ती चालू है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? हेलो हेलो, ये क्या बन रहे हो? आद्या हेलो करी हो, जस क्या कर रहा है? हेलो सब हेलो करने में लगे हैं। हेलो बीत जाएगा सुबह से शाम, तुरंत हो जाएगी। हाँ, रातें बड़ी होने लगती हैं, तो वो समझ में आती है कि हाँ, अच्छी खासी रातें बड़ी हो रही हैं। आ गए हैं आलमबाग की मार्केट, और हम लोग पहुंच गए हैं साड़ी के शोरूम में, क्योंकि हम लोग को परचेज करनी है साड़ियाँ। और बहुत ही खास ओकेज़न आने वाला है, मेरे घर में कार्यक्रम होने वाला है, मेरी बेटी का बर्थडे है आद्या का, तो उसी के लिए स्पेशल तैयारी हो रही है। साथ ही साथ करवा चौथ का भी त्यौहार आने वाला है, तो यहाँ पर शॉपिंग करी जा रही है। नेहा भी अपने लिए साड़ी सेलेक्ट कर रही है, करवा चौथ का व्रत रखना है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर साड़ियाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है कि नवरात्रों का पहला दिन है, और हम लोग सोच रहे थे कि पितृपक्ष में ना जाएं शॉपिंग करने, नवरात्रों में जाएं, और ऐसा देख रहे हैं यहाँ आने के बाद कि नवरात्र के टाइम पे जैसे लगता है नवरात्र के फर्स्ट डे ही सब रुके हुए थे, 15 दिन से पितृपक्ष का ही इंतज़ार कर रहे थे कि वो निकल जाए, तो उसके बाद नवरात्रों में जाएं शॉपिंग करने। तो जिसके कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि शॉपिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं नेहा ने यहाँ पे कुछ साड़ी वगैरह सेलेक्ट की हैं, कुछ पसंद करी हैं 1-2, उसमें से देखते हैं कौन सी वाली हम लोग लेते हैं। और हमारी अभी हम आलमबाग मार्केट में हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं राधे कृष्णा साड़ी, और फ्रंट कैमरा से दिखाई दे रहा है, इसलिए उल्टा दिख रहा है, और बगल में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आई होप क्लियर नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ियाँ परचेज़ कर लिया है, देख सकते हैं ये रखी है साड़ियाँ, और उसके बाद बस वेट कर रही हूँ मैं कि ये हस्बैंड जी आ जाएँ, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलें। तो बस हस्बैंड जी का वेट हो रहा है।
मार्केट से आने के बाद देख सकते हैं कौन आ गया है घर हमारे, जिसके लिए हम इतनी सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो सभी लोग मोस्टली व्रत ही रहते हैं, पहला दिन तो सभी लोग रहते हैं। और मेरे जो पापा जी हैं वो भी 9 दिन व्रत रखते हैं, और मेरे जो पापा हैं वो भी 9 दिन रखते हैं, यानी दोनों साइड की मम्मियाँ 9 दिन नहीं रहती हैं, दोनों साइड के पापा ही 9 दिन व्रत रखते हैं। तो यहाँ सब ससुराल वाले आए हुए हैं, देख सकते हैं मेरे बड़े ससुर जी हैं और मेरे ससुर जी हैं, तो दोनों लोग हैं, दादाजी और पापा जी दोनों लोग हैं, और मेरे दोनों जेठ जी हैं, देवर जी हैं, तो जेठ जी, देवर जी, ससुर जी सभी लोग आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम दोनों लोग किचन में लगे हुए हैं, और हस्बैंड जी लेकर के आए थे मूँगफली, तो इस टाइम पर भुनी हुई मूँगफली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो हम लोग बस वही खा रहे थे खड़े खड़े किचन में। दोनों घर भरा भरा लग रहा है, ससुराल से इतने सारे लोग आए हैं, तो अक्षत बहुत ज़्यादा खुश है अपने चाचू को, अपने बाबा जी लोगों को देख करके, क्योंकि ये ना मम्मी पापा के पास 1 मंथ रहा भी है समर्स वैकेशन में, तो इस वजह से सबसे इसको बहुत ही खास लगाव है। तो बस सबके आने से सबसे ज़्यादा अक्षत ही खुश हैं। चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली।